राज्य सरकार द्वारा 22 अप्रैल को आदेश के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की बैठक भिलाई में संपन्न हुई, जिसमें 16 को इस आदेश का विरोध प्रदर्शन करते हुए जेल भरो आंदोलन करने पर सहमति बनी है। बैठक में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर के विधायक विद्यारतन भसीन, बीजेपी के नेता राकेश पांडे सहित आला नेताओं के मौजूदगी में यह फैसला लिया गया कि 22 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई तुगलकी फरमान, जिसमें विशेष तौर पर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन किए जाने, विरोध प्रदर्शन किए जाने के लिए राज्य शासन की अनुमति जरूरी होगी, के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। यह आंदोलन प्रदेश स्तरीय होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी इकाइयां साथ मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगी। भिलाई में प्रेस वार्ता आयोजित कर बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि प्रदेश भर में किसी भी रैली या सभा करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की बात कही गई है। भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस सरकार की तानाशाही और लोकतंत्र के खिलाफ कदम बताया। उन्होंने सरकार को 15 दिन की मोहलत देते हुए कहा कि यदि 15 दिनों के अंदर यह आदेश वापस नहीं होता तो भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। इस आदेश में 19 बिंदु सरकार ने तय किया है और उसके उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, जो गैर जमानती अपराध के तहत कार्रवाई करने की बात कहती है, इसके दुरुपयोग होने की आशंका भी है। 16 मई को पूरे प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और उसके पीछे जो कारण है कि उसमें आने वाले समय में व्यक्तिगत, सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि तमाम संगठनों के द्वारा आयोजन करते पर उनकी स्वेच्छाचारिता के आधार पर अनुमति देने अथवा नहीं देने का है और आयोजक के द्वारा हलफनामा भराने की परिपाटी ये पहली बार हो रही है, पहली बार एफिडेविट भराने की बात हो रही है और इस तरीके से जो जन घोषणा पत्र इन्होंने जारी करके छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा किया था, अब जनता उस बात को समझ रही है और जब वो आंदोलन करने के लिए सड़क पर आ रही है, उन आंदोलनों को कुचलने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और ऐसा अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और लोगों के अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने वाले इस आदेश के खिलाफत करने के लिए तुगलकी आदेश है। इस आदेश के खिलाफ 16 तारीख का जो कार्य है, कार्यक्रम है, जेल भरो आंदोलन, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं और बाकी हमारे सकारात्मक कार्य तो चल ही रहे हैं। ये भी हुआ है वैशाली नगर विधानसभा का, लेकिन वो अलग है, तो कार्यशाला अलग है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है स्पेसिफिक जो ये आदेश है और ये आदेश सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, सिर्फ राजनीतिक नहीं है, हर के लिए। देखिए, जहाँ तक संस्कृति, परिधान और खान पान का है, ये सब लोग कभी यही बोलते हैं, इनके बड़े बड़े नेता की सबका इंडिविजुअल है और फिर उसको शासन का बता रहे हैं, तो अपना अपना है, लेकिन जहाँ तक भोरेवासी का है, उसको नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ का कोई निवासी ऐसा होगा जो गर्मी के दिन में इसका अपने लिए उपयोग नहीं करता होगा। और खान पान की विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं सबके साथ अलग अलग है। प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार का तुगलकी फरमान जो विषमताएँ समाज में है उसको लेकर के समाज उद्वेलित होता है और भारतीय जनता पार्टी भी समाज का अंग है, वो भी उद्वेलित है और जन समस्याओं को जनता के बीच में लेकर के जाना, विरोध करना, चूँकि चुनावी वर्ष आ गया है, सभी गंभीर है इस विषय को लेकर के, उस पर रोक लगाने के लिए यह इमरजेंसी का एक मिनी स्वरूप हम सबने देखा है। इसका विरोध 16 तारीख को जोरदार विरोध होगा और जेल भरो आंदोलन।